आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीजी व्यापम पीएटी 2021 का कट ऑफ कितना जा सकता है। अभी तक तो पीएटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप लोग पीएटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं और अभी तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया तो फिल कर दीजिए। आज मैं जो बताऊंगा आपको कट ऑफ की कितना जा सकता है और कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो सकता है कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल बताऊँगा और यह एक अनुमानित होगा क्योंकि अभी तक तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो अनुमानित ही रहेगा। तो देखते हैं क्या है। आप सभी लोगों को तो पता ही है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जिसे आईजीके भी बोलते हैं वो छत्तीसगढ़ में टॉप वन पर है और टॉप वन कॉलेज पर आपको सिलेक्शन और आपको उस कॉलेज में पढ़ने के लिए मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना मार्क्स लाने की ज़रूरत है। जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गए, अब जनरल कैटेगरी में जो मेल हैं लड़कों के लिए 134 नंबर और फीमेल के लिए 128 और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए मेल का 130 और फीमेल का 128, एससी वालों के लिए मेल का 122 और फीमेल का 105 और एसटी का 112 और फीमेल का 105 होना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कितने नंबर लाने पर आपको गवर्नमेंट सीट जो है मिल सकता है 2021 में भी। तो जनरल वालों को मैक्सिमम 125 नंबर तो लाना ही पड़ेगा आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के लिए और फीमेल को 115 और ओबीसी वालों के लिए मेल का 112 और फीमेल को 98 नंबर, एससी का 99 मेल को और फीमेल का 90, एसटी का 85 और फीमेल का 80। अब मान के चलिए कि एससी वालों का भी 84 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत से कॉलेज हैं महासमुंद में भी है, बहुत से कॉलेज हैं जहां पर आपको 85 नंबर में आपको कॉलेज जो है मिल सकता है, लेकिन जनरल वालों को बहुत मेहनत करना होगा और अच्छे से नंबर लाना होगा तभी आपका सिलेक्शन जो है आपको अच्छे से कॉलेज मिल पाएगा। मान के चलिए आप 85 नंबर से ज़्यादा ही स्कोर करने की सोचिए, एसटी और ओबीसी वाले 90 से 100 के बीच में आप लोग लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ओबीसी और जनरल वाले 110 से 112 तो ओबीसी को लाना ही पड़ेगा और 125 नंबर तो जनरल कैटेगरी को लाना ही पड़ेगा तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे से अच्छे कॉलेज में। और ये एक अनुमानित है, मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ कि एक अनुमानित है, अभी तक तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में मैंने जो बताया उतना नंबर आप लाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके।